हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास टोटल पावर, टोटल सबसेट्स आपको जनरेट करने हैं किसी गिवन एरे के। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कहा गया है कि 1 2 3 हमारे पास एक सेट है, और इस 1 2 3 सेट से बनने वाले जितने भी सबसेट्स हैं आपको वो सारे जनरेट करने हैं। इसका मतलब आपको पावर सेट जनरेट करना है। तो अगर आपको पावर सेट जनरेट करना है तो उसका मतलब आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को या सेट के कॉन्सेप्ट को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये पता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है तो इसके 2 रेस्ट टू द पावर n टोटल सबसेट्स बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को पिक करते हुए हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं, एंड देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसका सोल्यूशन। नाउ सी, लेट्स से कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं, और इसी के हमें सेट्स जनरेट करने हैं। 1 2 3 के अगर सेट्स जनरेट करने हैं तो हम अप्रोच क्या ले सकते हैं इसके सेट्स को जनरेट करने के लिए। पहले तो देख लेते हैं इसके क्या क्या सेट्स पॉसिबल होंगे। एक नल सेट, एक वन, एक वन टू, एक 1 2 3, सिमिलरली एक टू ओनली, एक 2 3 और एक 3। और क्या पॉसिबल होगा इसमें? टोटल 8 सेट्स होंगे। 2 3 2 3, 1 2 3, 1 3 भी इसका सेट होगा। ओके, सो दिस इज दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सेट्स विच इज पॉसिबल। तो हम ऐसा है मान सकते हैं कि इसमें एलिमेंट ऑफ चॉइस, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ पे हम 1 को इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो एक सेट हम ऐसा बना लें जिसमें कि 1 को इंक्लूड कर लें, और उसका एक सेट ऐसा बना लें जिसमें 1 को इंक्लूड ना करें। 1 का जैसे हमने सिलेक्शन कर लिया, अब 2 की हम बात करें, या तो 2 को इंक्लूड कर लें एक तरफ और एक तरफ 2 को इंक्लूड ना करें। इसी तरह से एक तरफ हम 3 को इंक्लूड कर लें और एक तरफ 3 को इंक्लूड ना करें। तो इससे जो हम सेट्स बनेंगे उसमें सारे सबसेट्स इसके रिपेयर हो गए। हम एक काम करते हैं कि इसमें एक नल सेट के साथ, जिसमें कि हमने किसी भी एलिमेंट को अभी सेलेक्ट नहीं किया है, हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। लेट्स से हम 0 इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अगर ये एरे है, ये 1 2 3, तो 0 1 2। अब हमें क्या करना है कि 0 और एक टेम्पररी एरे के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं, और एक तरफ ये होगा कि हमने 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया है, और एक तरफ ऐसा होगा कि 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए कि 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम इंक्लूड कर लेते हैं, सो आई हैव इन माई सेट 1, और इसके बाद फिर 0 प्लस 1 मतलब सेकेंड इंडेक्स से हम स्टार्ट कर देते हैं अगेन इसी प्रोसेस को। नो का मतलब क्या है कि हमने 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, एंड देन हम सेकेंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को या नेक्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो 1 है ये इंडेक्स बता रहा है, और ब्रैकेट के अंदर 1 है, इसका मतलब कि हमने एलिमेंट को इंक्लूड किया है। तो यहाँ हमने इंक्लूड किया है, और यहाँ हमने 1 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है। वंस अगेन, जो अगर हम 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे तो सेट में हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो 1 इंडेक्स मतलब कि 2 को इंक्लूड या तो करेंगे या तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको 2 को इंक्लूड करना है, सो 1 2 हो गया एक सेट में। अगर आपने 2 को इंक्लूड नहीं किया तो आपके सेट में केवल 1 होगा। तो अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ स्टार्ट करना है। और सिमिलरली अगर आपने 1 2 के साथ, मतलब इस वाले के साथ आप देख रहे हैं, तो या तो आप सेकेंड इंडेक्स वाले 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। 2 इंडेक्स पे 3 है, मान लीजिए कि आपने इसको इंक्लूड कर लिया तो आपके सेट में 1 2 पहले से था, 1 2 3 हो गया। और अगर आपने 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया तो आपके सेट में 1 2 आएगा। फाइन, अब हमने इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा, 3 इंडेक्स जो मेरे पास है वो वैलिड इंडेक्स नहीं है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, और 1 2 3 आपका एक वैलिड सेट हो गया। सिमिलरली ये 1 2 है जो वैलिड सेट हो गया। अब आइए इसकी बात करते हैं। इसमें या तो हम 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे या तो नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर हम 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे तो आपके सेट में आएगा एलिमेंट 1 3, क्योंकि 2 इंडेक्स पे 3 है। और अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो आपके सेट पे केवल 1 रह जाएगा, और इसके साथ में 2 प्लस 1 3 पास करेंगे, जो कि इंडेक्स है करंट इंडेक्स। क्योंकि 3 इनवैलिड इंडेक्स है इसलिए 1 3 जो है एक वैलिड सेट है, और 3 इनवैलिड इंडेक्स इसलिए 1 भी वैलिड सेट होगा। राइट वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया लेकिन करंट इंडेक्स 1 है, तो या तो करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड करना है या तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर आप 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं, उसका मतलब कि आपके सेट में 2 आ गया, और अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो नल सेट ही रहा आपके पास।
अब आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। वन था पहले, अब इसको टू इंडेक्स कर लेते हैं, दोनों टू टू इंडेक्स के साथ कॉलम में। अब आपको टू इंडेक्स वाला एलिमेंट या तो इंक्लूड करना है या तो इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब कि सेट में टू थ्री हो जाएगा, और अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो सेट में टू ही रह जाएगा। करंट इंडेक्स को आपने इंक्रीमेंट कर दिया, थ्री थ्री कर दिया, तो थ्री जो है वो वैलिड इंडेक्स नहीं है, इसलिए हम स्टॉप कर सकते हैं। टू थ्री एक वैलिड सेट हो गया, और दूसरे पार्ट में भी थ्री चूंकि वैलिड इंडेक्स नहीं, इसलिए आप टू को बता दीजिए कि ये वैलिड सेट है। इस वाले पार्ट में जिसमें आपने कोई भी एलिमेंट अभी तक इंक्लूड नहीं किया, आप टू इंडेक्स वाले एलिमेंट के बारे में डिसाइड कीजिए, या तो इसको इंक्लूड करना है या तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप टू इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे तो आपके सेट में थ्री आ जाएगा, और अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो नल सेट ही बचेगा। करंट इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दीजिए थ्री और थ्री, जो कि थ्री वैलिड इंडेक्स नहीं, इसलिए थ्री हमारा सेट में जो थ्री है वो एक वैलिड सबसेट हो गया और एक नल सेट हो गया। तो टोटल सबसेट्स आप देखिए कितने जनरेट किए, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ। तो आपने टोटल आठ सेट आपने जनरेट किए, यही पावर सेट का रूल है। तो नाउ आप इसमें देखिए कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया, और एक नल सेट के साथ या नल एरे के साथ हमने स्टार्ट किया, ब्लैंक एरे के साथ। या तो जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में चॉइस, दो चॉइसेस आपकी, या तो आप इधर चले जाइए यस की तरफ या नो की तरफ चले जाइए। अगर आप यस की तरफ गए तो अगेन वन इंडेक्स वाले एलिमेंट को या तो इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है। सिमिलरली टू इंडेक्स वाले एलिमेंट को या तो इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इससे जो सेट्स बनेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आपके सबसेट्स बन जाएंगे। इन्हीं सेट्स को आप रिटर्न कर दीजिए कंपाइल करके, ये अपना आंसर होगा। भाई इसको हम कोड करते हैं, और कोड करने के लिए हमने जो इनका जो फंक्शन है वो सबसेट्स नाम का फंक्शन गिवन है, और नम्स एरे गिवन है। नम्स का मतलब है कि जो एरे 1 2 3 है वो इसमें गिवन है। तो आप पता कर लीजिए कि इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, और एक ब्लैंक एरे ले लीजिए एक्स नाम का ब्लैंक एरे, जो भी हमने अभी देखा था सोल्यूशन में भी। तो जीरो हमारा करंट इंडेक्स है, टोटल इंडेक्स या जो लास्ट जो हो सकती है वैल्यू वो n-1 हो सकती है। यहाँ पे नम्स डॉट साइज का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने हैं, ब्लैंक एरे और एरे जो नम्स है उसको पास कर दीजिए अपने डिजाइन फंक्शन परमुटेशन में। सो नाउ इस परमुटेशन फंक्शन को देखते हैं। इस परमुटेशन फंक्शन में अगर i की वैल्यू n हो गई है, इसका मतलब है कि ये समय है कि अब हम जो हमारे पास जो एक्स एरे है उसको आंसर एरे में इंक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर और वेक्टर रिटर्न करना है, इसका मतलब कि जितने भी सेट्स से हैं वो वेक्टर में स्टोर होंगे। तो हमने एक आंसर वेक्टर बना लिया है जो कि वेक्टर और वेक्टर है, और जैसे ही आई की वैल्यू एन होगी मैं इसको आंसर में इंक्लूड कर लूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं, कि या तो इंक्लूड करना है एलिमेंट को या तो इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट है, नो वाला पार्ट है। नो में हम क्या कर रहे हैं कि आई प्लस आई को एक इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, एन वही है, एक्स वही है, कोई चेंज नहीं किया, नम्स एरे वही है। लेकिन अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं मतलब यस है, तो उस केस में क्या करेंगे कि जो भी एक्स करेंटली वेक्टर है उसमें करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम इंसर्ट करा लेंगे। ओके, सो हम पुश बैक करा लेंगे करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट को। लेट्स से हमने एक नया वेक्टर ले लिया वाई, और इसमें पुश बैक करा लिया इस करंट एलिमेंट को, मतलब कि नम साई को हमने पुश बैक करा लिया। अब इस वाई के साथ इस परमुटेशन फंक्शन को कॉल कर लीजिए। तो पहला पार्ट इंक्लूजन के साथ कॉल हो जा रहा है, और दूसरा पार्ट नॉन इंक्लूजन के साथ कॉल हो जा रहा है। तो हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो उसको इंक्लूड करना है या इंक्लूड नहीं करना है। अकॉर्डिंगली आपने जो भी सेट फाइंड आउट किया उस तो सेट को आप आंसर में स्टोर कर दे रहे हैं। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए हैं। एंड फाइनली हमने सबमिट किया, ये भी हमारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। हियर वी हैव एक्चुअली यूटिलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिकर्शन इन दिस क्वेश्चन, और एलिमेंट ऑफ चॉइस के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।